स्टूडेंट्स बिल्कुल तो कैसे इंजीनियर्स, हमने भी रिसेंटली एक ही मशीन बनाई जिसका नाम है टंबल टेस्टिंग मशीन। जो इसका जो साइज है इट इज़ एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट है, आईएस स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ये डोर्स की ओपनिंग है, इसमें हमने अपना यहाँ से खोला और यहाँ पर प्रोडक्ट लोड करने के बाद इसमें डाल दिया। दिस इज द कंट्रोल पैनल, इसमें क्या है कि ये हमने कितनी बार इसको माना है वो इसमें हमने सेट कर दिया। यहाँ से आरपीएम सेट करते हैं, आरपीएम को सेट करने का बोर्ड ये है। और सेफ फॉर एग्जाम्पल हमें इसे 10 बार घुमाना है, हमने यहाँ पहले ही 10 सेट कर रखा है। इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से और यहाँ से हो सकती है। उसके बाद सारी चीज़ें सेट हैं, हमने इसको स्टार्ट बटन को जैसे ही दबाया इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो हमने स्टार्ट, क्योंकि ये अभी यहाँ ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन है, नाउ इट इज़ इन ऑटो कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्ट बटन दबाऊँगा तो ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक करेगी। तो ये अभी रोटेट हो रहा है। आफ्टर 10 साइकल्स, 10 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इस टाइम इसका जो आरपीएम है 13 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से ये घूम रहा है, यानी एक मिनट में लगभग 13 बार ये रोटेट होगा। और इस आरपीएम को हम एक्सपोर्ट की हेल्प से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखेंगे 8, दिस इज 9 साइकिल एंड दिस इज 10 साइकिल, अपने आप ये रुक गया और ये यहाँ ऑटोमेटिकली 0 हो गया ये है। और अगर आप इसे बीच में भी रोकना चाहें तो इमरजेंसी स्टॉप है, बीच में भी रोक सकते हैं। थैंक यू।